आई जस्ट स्टूडेंट्स हम वीडियो बना रहे हैं एफ ए कॉन्स्टेबल के लिए। एफ ए कॉन्स्टेबल का टेस्ट कब होने वाला है, पहला पॉइंट ये है सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोगों का टेस्ट मार्च में होगा, कब होगा? मार्च में। वही अब दिसंबर जनवरी ये नहीं मैंने बताया कौन से मार्च में होगा, पॉइंट बी नोटेड। ईयर मैंने नहीं बताया, वो जा रहा क्या, वो कह रहा है वो इतना लेट, अब वो मैंने बताया ईयर नहीं बताया, कह रहा वो ईयर पता नहीं कौन सा होगा। बेटा ये कमिंग मार्च जो आफ्टर द 2 to 3 months आ रहा है, इस मार्च में आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप लोग तैयारी करके रखिए लाजमी। एफ ए के 2012, 2013, 2014 के ओल्ड पेपर कोई भी किसी को नहीं मिल रहे, बच्चों ने मेरा दिमाग खाया हुआ एसएमएस करके कि सर आपने ओल्ड पेपर का बताया था, हमें कोई भी नहीं मिला अभी तक। 2010 के 2009 के ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, वो पढ़ें या ना पढ़ें उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एफ ए का टेस्ट मार्च में होने वाला है। एफ ए का टेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, सारे का सारा पेपर इंग्लिश में होगा, उर्दू में एक भी सवाल नहीं आएगा, इवन के सलामत के क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएंगे। और एफ ए का मार्च में टेस्ट होगा, मार्च के एंड पे रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में इंटरव्यूज हो जाएंगे और मई में ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर हालात सही रहे तो। जी कॉन्स्टेबल वो साथ साथ ही वो इसकी इस 2 months के दरमियान, मार्च और मई के दरमियान सारा कुछ हो जाएगा, मार्च और मई के दरमियान सारा कुछ हो जाएगा, यानी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। असल में ये टेस्ट आप लोगों के शुरू होने थे 15 से 20 जनवरी में, लेकिन ये टेस्ट डिले करने की वजह क्या है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम यूज़ किया गया था आप लोगों के टेस्ट के लिए, वो सॉफ्टवेयर सही कैपेबल नहीं रहा इनके लिए, काफ़ी प्रॉब्लम हुई इन्हें। वो प्रॉब्लम ये हुई कि लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था तो उसमें जो ड्राइवर के टेस्ट थे वो भी इंग्लिश में आए थे, यानी एक बच्चे ने ड्राइवर में अप्लाई किया, एफआई में किस में अप्लाई किया, ड्राइवर में, उसका पेपर भी किस में लिया था इन्होंने, इंग्लिश में लिया था। सारा ड्राइवर दिमाग ख़राब हो गया उसका, और वह सोच रहा है कि यार काश मैं ना गाड़ी के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी सीख ही लेता। अब अंदाज़ा लगाओ कि उसमें हमारा एक स्टूडेंट ड्राइवर भर्ती हुआ है और उसकी तालीम BScS है, उसके लिए क्लैपिंग करें, वो इस टाइम एफआई में ड्राइवर है लेकिन उसकी तालीम BScS, और मुझे कह रहा है कि सर मैं BScS था जिसने पास कर लिया, ड्राइवर तो कोई पास ही नहीं कर सकता ये टेस्ट। कहता इतना मुश्किल टेस्ट सर, इतना मुश्किल कि हमें डायरेक्ट इन डायरेक्ट पूछे हुए ड्राइवर से, एक्टिव स्पेसिफिक पूछे हुए ड्राइवर से। अब ड्राइवर को कैसे बताए, फिर ड्राइवर से पूछो राइट किया है लेफ्ट किया है, और वहाँ जितने ड्राइवर बैठे हुए उनकी हालतें आप सोच सकते हो कैसी होंगी, वो सोच रहे होंगे यार ये क्या गेम है यार, समझ में नहीं आ रही। अब देखो पेपर बनाने वाला शख्स कितना बेवकूफ़ है, सुन रहा होगा मेरी बात, कितना बेवकूफ़ है, पेपर लेने वाले शख्स कितने बेवकूफ़ हैं, वो डिपार्टमेंट कितना बेवकूफ़ है, ठीक है, कि ज़रा इस बारे में सोचते नहीं है कि यार एक बच्चे का टेस्ट ड्राइवर गया तो उसे ड्राइवर के मुतल्लिक पूछना चाहिए, एक बंदे का टेस्ट माली गया तो उसे पौधे के मुतल्लिक पूछना चाहिए, समझ आई। माली से पूछ रहे हैं बताओ ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, वो माली है उसे ओजोन लेयर से क्या लेना देना, समझ आई। आखिर आगा बिगड़ा हुआ सही बात है, और एफ ए का सिलेबस जो वहाँ पर अवेलेबल है उसे मैंने लास्ट भी कहा था मत तैयारी किया करें, वो कोई चाचा बैठा हुआ अपलोड करता रहता है राइट, उसमें से कभी कोई सवाल नहीं आया। तो मार्च में टेस्ट होगा, एफ ए की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, देखते रहें चैनल सरकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।